फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करेंगे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जस्ट पहले जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वहां भी हमने शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की ही कहानी देखी थी, लेकिन वहां पर हमने एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए देखा हुआ था। हमारे पास काफी तरीके के क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं। अगर मैं आपसे एग्जांपल्स के लिए बात करूं तो सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, और अगर दूसरी अगर बात करें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्रॉस सेक्शन में जाए, ये सब आपके क्या थे, बिल्कुल सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन तो थे लेकिन एक आपका सिंपल क्रॉस सेक्शन थे। जैसे अगर कॉम्प्लिकेटेड में जाओगे तो आई सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, या हम लोग जो ट्राइंगल यूज कर रहे हैं जो हमारा चैनल का सेक्शन हो गया, तो उसके लिए भी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा जो एक नॉर्मल क्रॉस सेक्शन होता है और वो सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन जो होगा, उस सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि उसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर मैक्सिमम होगा और कितना निकल कर आएगा। तो डेफिनेटली लास्ट वीडियो में जो हमने देखा हुआ था, तो हम वहां से हमें दो चीजें समझ में आई थी। क्या क्या चीजें समझ में आई थी? पहला कि कभी भी आपका देखिए जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक फॉर्मूला जो हमारे पास निकल कर आता है, अगर मुझे कैलकुलेट करना हो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या होगा, दिस इज द एफ ए वाई बार डिवाइड बाई आई ऑफ एन ए, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इनटू क्या हो जाएगा बी। तो ये जो हमको मिलेगा ये हमारे पास शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमको दिख रहा है टाउ इक्वल टू एफ ए वाई बार डिवाइड बाई आई एन ए इंटू बी। ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है हमको, ये हमारे पास क्या है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। दूसरे कंडीशंस को लेके अगर मैं बात करूं तो आपको क्या दिखेगा, ये जो आपका सेकंड कंडीशन यहां पर याद है, अगर हमें याद होगा तो हमने क्या एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया हुआ था और ये रेक्टेंगुलर सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस था, और इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हमने क्या है देखा हुआ था, तो यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस आपको आया था न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम मिलता, और टाउ मैक्सिमम इक्वल टू हमको क्या मिलता है, दैट इज इक्वल टू 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, यही हमको मिला हुआ था। अब ये ध्यान रखिए कि जो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 3/2 ऑफ टाउ एवरेज ये कहां से आया था, ये आया था इस इक्वेशन से आया हुआ था। दूसरा चीज, दिस इज द पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड अबाउट फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन, क्लियर है। मतलब अगर आपका ये सेक्शन चेंज होगा तो कहीं ना कहीं वैल्यू चेंज होगी। तो यहां पर इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए जो देखिए टाउ ऑफ मैक्सिमम जो मुझको मिल रहा है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज जो आपको दिख रहा है, तो 3/2 कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं के, और इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं क्या, टाउ ऑफ एवरेज, क्लियर हुआ ये चीज। मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिला हुआ है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विच इज इक्वल टू 3/2 मतलब आपका के हो गया, और के बाद आपको क्या मिलेगा, टाउ ऑफ एवरेज। कहानी क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर के की वैल्यू 3/2 है। अब देखिए मेरे पास नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जैसा कि मैं अभी रेक्टेंगुलर के लिए बात किया, हो सकता है मेरे पास स्क्वायर हो सकता है मेरे पास सर्कुलर हो, तो इस तरीके के जो क्रॉस सेक्शन होंगे, डेफिनेटली ट्राइंगल भी हो सकता है, बट यहां पर फिलहाल मैं जो बात करूंगा आपसे इस वीडियो में सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन को लेकर बात करने वाला हूं। तो यहां पर जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं पर्टिकुलर इस चीज में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेरियस क्रॉस सेक्शन, तो यहां पर अभी मैं जो आपसे बात करने वाला हूं दैट इज द सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अनसिमेट्रिक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफी लेंदी भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि अगर मेरा सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन बनता है तो एक बार देखते हैं हमारा कि उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से दिखेगा। और यहां पर हम लोग जैसे देखें यहां पर, तो इसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो मिला हुआ था वो डेफिनेटली अगर आपको याद हो तो इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमको कैसा मिला हुआ था, ये कुछ इस तरीके से था, और यहाँ पर ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मैक्सिमम मिला था, यही हमको मिला हुआ था, और ये हमारे पास जो था दैट इज द शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरे सेक्शन का एक कंबाइन आपको शियर स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करके देख रहा हूँ, जिससे आपको चीजें याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, ये हम एक एक चीज के लिए डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है नहीं तो चैप्टर काफी लेंदी हो जाएगा, कोई मतलब भी नहीं है। हमको क्या एक सिंपल प्रोसेस समझ में आ चुका है, यहाँ पर हमको के की वैल्यू भी मिल चुकी है, तो ये जो के की वैल्यू है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम से पूछा जाता है, मतलब मैक्सिमम कहां पर होगा और वो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी।
तो अब मैं इस वैल्यू को आपको यहाँ पे डायरेक्ट में देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस सेक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शन हुआ तो क्रॉस सेक्शन हो सकता है हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये हमने कंसिडर कर लिया है, ये आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को छोड़कर और कैसा हो सकता है, जैसा कि हमने देखा हुआ है, हो सकता है यहां पर आपका ये आपका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, डेफिनेटली। नेक्स्ट अगर सेक्शन पे बात करें तो हमारा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, जैसा कि हमने देखा हुआ है। तो यहां पर हमने जो यूज किया है ये रेक्टेंगुलर सेक्शन यूज किया हुआ है, ये ठीक है। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये हमारे पास है क्रॉस सेक्शन। कभी भी देखिए क्रॉस सेक्शन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो हम लोग हैचिंग पार्ट से करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस कंडीशंस पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। मैं लिख जरूर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सीधा सीधा निचोड़ दिख रहा हूँ, हर जगह आपको ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दिस इज द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये देखिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ये मेरे पास जो क्रॉस सेक्शन है दिस इज द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास है क्या, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। अब डेफिनेटली इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो बिल्कुल इसके बीचों बीच पास होगा। इसका अगर मैं बात करूं न्यूट्रल एक्सिस को लेके तो डेफिनेटली इसका जो न्यूट्रल एक्सिस आपको मिलेगा वो क्या होगा, ये बिल्कुल आपका सेंटर से ही पास होने वाला है। तो ये हमारे पास है डेट इज द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए यहां पर मुझे क्या है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करना है, और यहां पर देखिए जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करूंगा वो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। हियर ऑल सेक्शंस आर द सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन। अब यहां पर मुझे ड्रॉ करना है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था कि जो हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि यहां पर मैं उन चीजों को डायरेक्ट ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने टोटली पूरा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं जैसे सर्कुलर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, तो इसके लिए जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा टाउ ऑफ एन ए, ठीक है, और टाउ ऑफ एन ए न्यूट्रल एक्सिस जो मिलेगा, ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट दैट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। ये आपको कितना मिलेगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा न्यूट्रल एक्सिस पे, और वो हमको कितना मिलेगा सर्कुलर के लिए, जैसे रेक्टेंगुलर के लिए 3/2 ऑफ टाउ एवरेज आता है, सर्कुलर के लिए आपका आता है दैट इज इक्वल टू 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। अगेन बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सर्कुलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलता है कितना मिलता है, 4/3 ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली आपको यही एक्सप्रेशन मिलने वाला है, मतलब ये अगर आप देखेंगे टाउ मैक्सिमम, तो यहाँ पे आप देखिए टाउ मैक्सिमम जो आपको मिलेगा विच इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा 3/2, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है। अच्छा, ये जो टाउ एवरेज की बात कर रहा हूँ, आपको क्लियर है टाउ एवरेज क्या है। यहाँ पे जो हम लोग टाउ एवरेज को लेकर बात कर रही है, टाउ एवरेज आपका है क्या चीज, ये मैंने लास्ट वीडियो में ये भी देखा है हमने, विच इज इक्वल टू वही आपका शियर फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो एफ हमारा शियर फोर्स है, और एरिया आपका डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एरिया कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके एरिया के बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। टाउ मैक्सिमम यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जाता हूँ तो डेफिनेटली मुझे यही एक्सप्रेशन मिलेगा, ये मैंने प्रूफ भी कर चुका है हम लोगों ने। तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, विच इज इक्वल टू 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। ये जो आपको कहानी दिख रहा है क्या दिख रहा है, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मैक्सिमम मिला हुआ है, और ये सभी के सभी जो है मैक्सिमम कहां पर मिलेगा आपको, न्यूट्रल एक्सिस पे मिलेगा। तो यहां पे अगर मैं इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना चाहूं तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसा ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारे पास जो लाइन है तो इस पे देखिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये हमारे पास मैक्सिमम है, ये जो हमारे पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो ये मेरे पास क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये आप देखिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का ही हमको ग्राफ मिला हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पर जो चीजें हैं वो पहले देखना जरूरी है आपका। अगर टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पे जाया जाए, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द टॉप फाइबर।
ये जो आपकी ऊपर वाली लाइन है ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज इक्वल टू टॉप फाइबर, ठीक है, किसी के लिए भी। जो नीचे वाली लाइन है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डेट इज इक्वल टू बॉटम फाइबर। ये जो हमको दिख रहा है ये हमको क्या दिख रहा है, ये आपका जो नीचे वाली कहानी है डेट इज इक्वल टू बॉटम फाइबर, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर, तो डेफिनेटली टॉप और बॉटम फाइबर पे हमको शियर स्ट्रेस कितना मिला हुआ था, जीरो। तो यहाँ पर हमने शियर स्ट्रेस को क्या लिख दिया, डेट इज जीरो। नीचे पोर्शन पे आओगे तो यहाँ भी हमको शियर स्ट्रेस क्या मिला हुआ था, जीरो, यही तो था। बट यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे हमने देखा हुआ था कि यहाँ पर आपको शियर स्ट्रेस मैक्सिमम मिलता है और मैक्सिमम मिलता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू देखो आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जो कि अलग अलग है। तो यहां पर मैं टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या लिख देता हूं, के टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, क्लियर है, के टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है न्यूट्रल एक्सिस को यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, तो के टाउ मैक्सिमम इक्वल टू आपको क्या मिला हुआ है, के टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। अब जो के की वैल्यू है, ये K की वैल्यू आपकी यही है, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए तो K की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, विच इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पे अगर मैं बात करूं K की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू 3/2। डेरिवेशन से बट नहीं करा रहा हूं, जरूरी नहीं है, ठीक है, एक बार आपने प्रोसेस को देख लिया है तो बार बार उस चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं K की वैल्यू को बात करूं तो K की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 3/2। कहानी कुछ समझ में आया, मतलब ये जो आप K की वैल्यू, इस K की वैल्यू को आप यहां रखोगे तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और दूसरा चीज अगर मैं यहां पे जैसे बात करूं टॉप एवरेज को लेकर, तो टॉप एवरेज हमको क्या मिल सकता है, यहां पर अगर मैं टॉप एवरेज को लेकर बात करूं तो टॉप ऑफ एवरेज, तो टॉप ऑफ एवरेज आपको क्या मिलेगा, दैट इज एफ बाई ए, एफ क्या शेयर फोर्स। और एरिया को लेकर बात करेंगे तो मान लीजिए कि इसका हम लोग डायर डी ले लेते हैं, तो इस कंडीशन पे आपको क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू पाई बाई 4d का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं ये टॉप एवरेज है, ध्यान रखिएगा ये जो हमने लिखा हुआ है टॉप एवरेज है। यहां पे अगर मैं बात करूं टॉप ऑफ एवरेज, तो टॉप ऑफ एवरेज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ये जैसे हमने एफ बाई ए लिखा हुआ है तो यहां पर हमने लिख दिया एफ बाई, अब यहां पे देखिए ये आप बी ले लीजिए, ये आप क्या ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो डेफिनेटली इसका जो क्रॉस सेक्शन आपको क्या है, ये साइड्स आर इक्वल। तो यहां पे आप एरिया लोगे तो मान लीजिए कि सपोज ये मान लीजिए ये जो हमारे पास पोर्शन है ये हमारे पास, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, डी है, तो ये भी स्क्वायर डी होगा, तो सीधा सीधा क्या मिल जाएगा आपको, डी का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं टॉप एवरेज लेने के लिए, तो टॉप एवरेज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, एफ, डेफिनेटली एफ इज द शियर फोर्स। लेकिन मैं एरिया को लेके बात करूं तो देखो ये तो हमारा डी है, लेकिन ये विड्थ हम लोग क्या कंसीडर कर देते हैं, विच इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इंटू डी, तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, टॉप एवरेज जो मिला हुआ है विच इज इक्वल टू बी इंटू डी। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ, डेफिनेटली इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास अलग अलग जो सेक्शन निकल कर आए हैं उस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमने बात किया हुआ है। और फिर से मैं आपको एक चीज रिपीट करना चाह रहा हूँ अगेन, यहाँ इस वीडियो में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो केवल और केवल सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन के लिए है। अब ये सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन में भी क्या है, सिंपल टाइप के है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन में जाओगे तो जैसे आपका आई सेक्शन हो गया, ठीक है, और अगर आप सिमेट्रिक में जाओगे तो जो आपके ट्राइंगल सेक्शन होते हैं, जो आपका ट्राइंगल जो होता है जिसका आप स्क्वायर या आपका जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है इसके जो डायगोनल है इसको आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन पे कर दीजिए, वो भी चीज आपको दिख सकता है। तो और यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जो सेक्शंस जो भी हमको मिल रहा है इस पे हमारा जो टॉप एवरेज है, डेफिनेटली टॉप एवरेज अगर आपका देखिए तो एक नॉर्मल शियर स्ट्रेस है और नॉर्मल शियर स्ट्रेस डेफिनेटली क्या होता है, एफ बाई ए होता है। यहाँ पर मैंने याद है आपको बार बार बीच में बोलता हूँ, अभी फिर से बोल रहा हूँ कि आपको एक पतली सी कॉपी बनानी है या 8-10 पेज का एक ऐसा आपको चिट्ठा बनाना है, उसको बेसिकली हम लोग चिट्ठा बोलते हैं, जिसपे आपको क्या है पूरे शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट का मतलब क्या है, टोटल बेस्ड आपको डायरेक्टली फॉर्मूला उसमें लिखना है, ठीक है। उसमें आपको डेरिवेशंस की तरफ जाने की जरूरत नहीं और हर चीज का डेरिवेशन तो हम कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन वहां से जो कंक्लूजन आपको दिख रहा है वो डेफिनेटली आपको यूज करने की जरूरत है। तो उसमें आप ये सब चीजों को डालिए, ठीक है, ये सब जो चीजें आपको बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो स्क्वायर को, सॉरी सर्कुलर को लेकर पूछा जाता है,
तो ये हमारे पास जो टाउ मैक्सिमम आया हुआ है, ये चीज आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू को हमने बिल्कुल यहाँ पर अलग कर दिया, और यहाँ से आप चीजों को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी चीज के लिए, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो वहां से। दूसरा चीज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो वेरिएशन आया था, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में भी हमने देखा हुआ था कि ये जो हमारे पास वेरिएशन है, ये हमारे पास है सिमेट्रिक क्रॉस, ये हमारे पास जो वेरिएशन है कैसा वेरिएशन है, दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन, यही तो है। ये हमारे पास जो कर्वेचर है कैसा मिला हुआ था, ये पैराबोलिक मिला हुआ था, जो आपको क्या है टॉप और बॉटम फाइबर पे जीरो मिल रहा है, और डेफिनेटली न्यूट्रल एक्सिस पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन चीजों को जरूर आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हमारे पास है, अगेन आपको बोल रहा हूँ, बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो आपके पास शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस में अगर आप देखोगे तो एफ है वाई बार डिवाइड बाई आई एन इंटू बी का जो कहानी है, उसी तरीके से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे देखोगे तो 3/2 ऑफ टाउ एवरेज जो हमको मिला हुआ है। तो ये हमारे पास कंडीशंस है, और कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमको मूव करना है। लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बिल्कुल आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर, और डेफिनेटली चीजों को एकदम चाट जाना। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।